अली बजरंगबली वाले भाषण पर चुनाव आयोग ने योगी आदित्यनाथ पर 72 घंटे चुनाव प्रचार करने पर बैन लगाया तो योगी आदित्यनाथ ने एक नई कार ढूंढ निकाली है। खबर आ रही है कि योगी सुबह 8:30 बजे हनुमान सेतु मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और योगी के साथ राजनाथ सिंह भी वहां पर मौजूद रहेंगे। तो ये कार योगी आदित्यनाथ ने निकाली है। कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ शायद ये बताना और दिखाना चाहते हैं कि आपने बीजेपी के स्टार प्रचारक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर बैन लगाया है लेकिन एक योगी पर बैन नहीं लगाया है। तो वो बतौर महंत वहां पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। ये भी बता दें कि वहां पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद होंगे। आज उन्हें अपना नामांकन भी दाखिल करना है। सुबह 8:30 बजे योगी आदित्यनाथ हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और उसी दौरान वहां पर राजनाथ सिंह भी पहुंचेंगे। आज राजनाथ सिंह को भी अपना नामांकन दाखिल करना है तो योगी के साथ राजनाथ सिंह दोनों ही वहां पर मौजूद रहेंगे। सुबह 8:30 बजे का वक्त है। हनुमान सेतु मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। कुमार अभिषेक हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। यानी कुमार अभिषेक, योगी आदित्यनाथ ये दिखाना चाह रहे हैं कि आपने मुख्यमंत्री पर, एक स्टार प्रचारक पर, बीजेपी के नेता पर बैन लगाया है लेकिन एक महंत पर बैन नहीं लगाया है। बतौर महंत वो वहां पर बैठेंगे? बिल्कुल नवजोत, देखिए ये एक तरीके का काट उन्होंने ढूंढा है और 8:30 बजे वो हनुमान सेतु मंदिर पहुंच रहे हैं। मंदिर में वो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और वहीं पर राजनाथ सिंह पहले पहुंच रहे हैं दर्शन के लिए। यानी कि जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक दोनों नेता सबसे पहले मंदिर जा रहे हैं। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जो कि पहले पहुंच रहे हैं मंदिर, वहां मंदिर में दोनों नेता मिलेंगे, दर्शन करेंगे, तो ये इस पर चुनाव आयोग का प्रतिबंध नहीं हो सकता क्योंकि वो मंदिर पर्सनल कैपेसिटी में पहुंच रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज जिस तरीके से नेताओं पर बैन लगाया गया है और खास करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जो रोका गया है उसके बाद से इसे एक काट के तौर पर देखा जा रहा है। बिल्कुल, नजर आप बना रखिए। कुमार अभिषेक, हम लौटेंगे आपके पास इस बड़ी खबर पर, लगातार नजर हमारी बनी रही। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।